हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बोर के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। बोर, जिन्होंने अपना परमाणु का मॉडल 1913 में दिया था। बोर का पूरा नाम नील्स बोर है तथा नील्स बोर के साथ इस प्रयोग को करने के लिए एक और सहयोगी वैज्ञानिक थे जिनका नाम रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड, ठीक है बच्चों। 1913 में मुख्य रूप से नील बोर ने परमाणु का मॉडल दिया, जिनके सहयोग में रदरफोर्ड थे। ठीक है, तो बच्चों जब नील बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, इन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर परमाणु का मॉडल कैसा होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होगी, वो कहां पर वितरित होंगे, इन सब के संबंध में जब रदरफोर्ड का मॉडल फ्लॉप हो गया। रदरफोर्ड का मॉडल 1911 में आया था, ठीक है, जब वो फ्लॉप हो गया तो 1913 में नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके पास्टुलेट यानी अभिग्रहित निम्न है। तो बेटा, पहला अभिग्रहित क्या था, ध्यान से देखें, मैं लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी में लगातार नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा होती है, वृत्तीय कक्षा होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहला पास्टुलेट क्या है, नाभिक के बाहर। तो बच्चों, ये मैंने बनाया नाभिक, नाभिक कैसा, धनावेश, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा होगी, कक्षा होगी, नाभिक के बाहर क्या होंगी, कक्षा होगी, और वो कक्षा किस तरह दिखाई देंगी, वृत्तीय आकृति पर दिखाई देंगी। तो बेटा ये देखिए वृत्तीय आकृति, ये फिर इस प्रकार बनाते चलते हैं, ठीक है बच्चों, और बनाते हैं, ये लीजिए बेटा, मैंने नाभिक के बाहर वृत्ति कक्षाएं बनाई, ये वृत्ति कक्षा, ये वृत्ति कक्षा, ये जो भी देख रहे हैं, ये वृत्ति कक्षा है जो नाभिक के ठीक बाद से जो घेरा है, और ये बाहर तक के जितने भी घेरे दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बच्चों हम लोग वृत्तीय कक्षा कहते हैं। इसका एक और नाम है कक्ष, कक्ष, ठीक है, या कक्षा भी बोल सकते हैं इसे। फिर इसका एक और नाम बोल सकते हैं आप, कोस, आप इसे बोल सकते हैं ऊर्जा स्तर, आप इसे बोल सकते हैं मुख्य क्वांटम। तो बच्चों इतना नाम इसको दिया जा सकता है। कह रहा है नाभिक के, नाभिक किसका बच्चों, तो अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहे तो यहां लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक, लिख दीजिए, लिख ही देते हैं, ठीक है, परमाणु के नाभिक, नाभिक के बाहर ये जो वृत्ति घेरा दिखाई देते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। इनमें क्या होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा होने के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते भी, इलेक्ट्रॉन घूमते भी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे, ये जो बाहर देख रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्ति कक्षा, कक्षा या कोष कहते हैं।
बच्चों कोष को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। कोष को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर के एन जो है वो किन रूपों में मिल सकता है? के कोष, एल कोष, एम एन ओ पी और क्यू। बेटा कोषों की संख्या आगे भी हो सकती है जो कि इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप वृत्तीय सर्कल देख रहे हैं, ये जो वृत्तीय घेरे बनाए गए हैं, ये बहुत सारे बन सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। तो बच्चों जहां नाभिक के ठीक बाद वाले इस कक्षा को के कक्षा, उसके बाद वाली कक्षा को एल, उसके बाद वाली को एम, उसके बाद वाली को एन, इसे ओ, इसे पी और इसे क्यू कहेंगे। बच्चों अब इन कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, एल में कितने गए हैं, एम में कितने गए हैं? तो बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम 2n स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जहां पर n कोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है, कोष के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। जहां n इनको नहीं, के एल एम एन को नहीं, बल्कि इनकी संख्या को प्रदर्शित करती है, कोष की संख्या को। तो फिर बात आएगी k के लिए क्या नंबर होगा, तो k के लिए न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, l के लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 और इसके लिए बच्चों 7 न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो फिर इस पे 1, इस पे 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 5, इसकी 6, इसकी 7, ये कोषों की न्यूमेरिक वैल्यू है। अब हमको पता करना है कि भैया के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हम 2n स्क्वायर के आधार पर काम करेंगे। तो बच्चों हमारे पास k, l, m, n, o, p, q इस प्रकार कोष दिए गए हैं, इन्हीं कोषों में हमको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो चलिए के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो k की न्यूमेरिक वैल्यू है 1, तो n की जगह पर आप लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो बेटा k कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे l, ठीक है। l में कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, तो l की न्यूमेरिक वैल्यू, कोषों की संख्या कितनी? 2, तो इस फार्मूले में रखेंगे तो 2 दुना 4, 4 दुना 8। m की वैल्यू कितनी? 3, इसी फार्मूले का 3 त्रिका 9 दुना 18। फिर n के लिए n की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 16 दुना 32। o की वैल्यू 5, 5 25, 25 दुना 50। फिर 6, 6 चंग 36, 36 दुना 72। फिर 7, 49, 49 दुना 98। बेटा इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, परंतु बच्चों O पर अभी 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P पर अभी 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और Q पर भी 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बच्चों अब ये कैसे कि इसमें 32 गए, इसमें 32 गए, इसमें 32 गए, ये 50, 72, 98 नहीं गए, क्यों? तो बच्चों इसका आप डिटेल जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसे कंप्लीट रूप में समझा दूंगा। अभी तो फिलहाल हम लोग बोर मॉडल पढ़ रहे थे, जिसमें आप बताएंगे पहला पॉइंट पास्टुलेट में परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षा होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इन वृत्तीय कक्षाओं को, इन वृत्तीय कक्षाओं को कोष कक्षा ऊर्जा स्तर या मुख्य क्वांटम कहते हैं। कोष को एल से दर्शाते हैं, जहां एन बराबर के एल एम एन ओ पी क्यू से इनफाइनाइट तक, जहां के की न्यूमेरिक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है। तो बच्चों इतना पहला पॉइंट, और ये डायग्राम बनाने के बाद ये पहला पास्टुलेट कंप्लीट होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लेने के बाद इसे फिर दूसरे पास्टुलेट की ओर लेके चलते हैं। हाँ तो ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पास्टुलेट की तरफ। आखिर इनका दूसरा अभिग्रहित क्या था बच्चों, ठीक है? तो देखेंगे दूसरा अभिग्रहित इनका क्या था। बच्चों इनका दूसरा अभिग्रहित ये था, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक
के बाहर पाए जाने वाले वृत्तीय कक्षाओं की अपनी खुद की एक निश्चित ऊर्जा होती है तथा इन वृत्तीय कक्षाओं की ऊर्जा में इन वृत्ति कक्षाओं की ऊर्जा में परस्पर अंतर होता है। कक्षा की ऊर्जा E H nu के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, कह रहा है परमाणु के नाभिक के बाहर ये जो वृत्ति कक्षाएं पाई जाती हैं, तो बेटा ये है नाभिक, नाभिक के बाहर वृत्ति कक्षाएं, ये मैंने वृत्ति कक्षाएं बना दी। तो वृत्ति कक्षाओं की अपनी खुद एक निश्चित ऊर्जा होती है। बच्चों हर वृत्ति कक्षाओं की अपनी खुद की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और बच्चों इन वृत्ति कक्षाओं की जो ऊर्जा इसकी होगी वो इसकी ऊर्जा नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब सभी ऊर्जा स्तरों में या सभी वृत्ति कक्षाओं की ऊर्जा कभी समान नहीं होती, इनमें ऊर्जा का अंतर होता है। परस्पर हर कोषों के बीच ऊर्जा का अंतर होता है, और तथा कोष एक निश्चित दूरी पर भी होते हैं, कोष परस्पर एक दूसरे से निश्चित दूरी पर भी होते हैं, तथा इनमें ऊर्जा का अंतर भी होता है। ये बात कही गई थी बच्चों। कहा जा रहा है कक्ष की ऊर्जा यानी इन कक्षों की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो किसके बराबर होती है? एच न्यू के बराबर होती है, अर्थात ई बराबर एच न्यू, जहां ई बराबर है आपका कक्षा की ऊर्जा या कोष की ऊर्जा बोल सकते हैं या कक्ष की ऊर्जा बोल सकते हैं, एच बराबर प्लांक नियतांक। बेटा एच जो है प्लांक नियतांक है। प्लांक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक अंक दिया था और उस अंक का वैल्यू है 6.6×10⁻¹⁴ जूल सेकेंड, जहां न्यू इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति है। बच्चों उन कोष में, जिन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति एक सेकंड पर किसी बिंदु से कितनी बार इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, ये बातें कहती है। तो बच्चों ये जो E बराबर एच न्यू है, वो यदि इन कोषों के लिए हम लगाएं, तो हम इस पहले कोष की ऊर्जा को किस रूप में लिखेंगे? आप बोलेंगे सर जी पहले कोष की जो ऊर्जा है वो कितनी है? एच न्यू है। तो चूंकि ये पहला कोष है और पहले कोष को के कोष कहते हैं, और के की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर बच्चों 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया आपका एच न्यू। बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते थे, एन एच न्यू, जहां पर एन के कोष की संख्या को प्रदर्शित करेगा। इसे आप लिख सकते हैं एन एच न्यू, और आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं एन एल के लिए कितना होगा? 2 एच न्यू। इसके लिए लिखेंगे एन एच न्यू, और बच्चों यहाँ इसके लिए n कितना होगा? 3 एच न्यू।
और इसके लिए आप लिखेंगे एन एच न्यू और एन इसके लिए होगा चार फोर एच न्यू। तो आप देख रहे हैं हर कोषों की हर ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, हर ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा है वो परस्पर एक दूसरे से अलग आ रही है। तो बच्चों ये था दूसरा पॉइंट, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसे फिर से हम मिटाते हैं और अब हम लोग बच्चों तीसरे पास्टुलेट की ओर बढ़ेंगे, अर्थात इनकी तीसरी, इनका तीसरा कथन क्या था उसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा कथन क्या है बच्चों? बच्चों तीसरा कथन इनका सुनिए क्या था। ये नाभिक है, नाभिक के बाहर क्या है? वृत्ति कक्षाएं, वृत्ति कक्षाएं। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कोशों में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोशों में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कोशों में घूमते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इन कोशों में घूम रहा होगा, ये अपने इन कोशों में घूम रहा होगा, ये अपने इन कोशों में घूम रहा होगा, वो अपने इन कोशों में घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अपने कोशों में होते हैं और वहाँ पर घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी कोश में तभी घूम सकता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कोश में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसी कोशों में तभी घूम सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कोश की ऊर्जा बराबर होगी, तभी इलेक्ट्रॉन उस कोश में घूम सकता है, तभी इलेक्ट्रॉन उस कोश में घूम सकता है। याद रखें, कोई भी इलेक्ट्रॉन इन कोशों में तभी घूम सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और कोश की ऊर्जा बराबर होती है, तभी इलेक्ट्रॉन कोशों में घूम सकता है, अन्यथा नहीं घूम सकता बच्चों। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा, अगर मान लीजिए सपोज करिए ऊर्जा स्तर की यानी कोश की ऊर्जा ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा है, कोश की ऊर्जा कम है, तो भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं रह सकता। तो कहने का मतलब ये है, कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों कोशों में तभी घूम सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कोश की ऊर्जा के बराबर होगी, तभी वो वहाँ पर रह सकता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जिस कोश में रहकर घूमते हैं उसे उनकी स्थायी कक्षा कहते हैं, उसे उनकी स्थायी कक्षा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों। इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो दो तरह से घूम सकता है, इलेक्ट्रॉनों की गति दो तरह से हो सकती है, तीसरे पॉइंट के अंदर ही आ रहा है। कौन सी एक गति होगी? एक तो होगी बच्चों वृत्ति गति। कौन सी गति? वृत्ति गति। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट सर्कुलर पाथ में कर रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये पूरे पथ में इस प्रकार गति कर रहा होगा, और वो गति या तो क्लॉकवाइज हो सकती है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। और दूसरी गति होती है अक्षीय घूर्णन, अक्षीय घूर्णन, अर्थात इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा उसी अक्ष में, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी अक्ष में इलेक्ट्रॉन भी जिस कोश में होगा उन्हीं अक्ष में घूम रहा होगा, और बच्चों उसकी भी दिशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बच्चों ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को यदि ऊर्जा दी जाए, सपोज कीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन ये है, ये किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को यदि ऊर्जा दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और वो उस कोश को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर आता है, और वो उसी कोश में जाकर रुकता है जहाँ पर उसकी ऊर्जा उस कोश की ऊर्जा के बराबर है। तो मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऊर्जा दी, अब इसकी ऊर्जा बढ़ गई है, अब वो यहाँ नहीं रहेगा, ये अब अगले कोश की तलाश में है, देखेगा कहीं मेरी ऊर्जा इस कोश के बराबर तो नहीं है, नहीं, आगे आएगा, अब उसे पता चलेगा कि भैया अगले कोश में मेरी ऊर्जा और कोश की ऊर्जा बराबर है, तो वो यहाँ रहेगा, लेकिन कितनी देर रहेगा? बहुत छोटा समय, 10^-8 सेकेंड ही इस कोश पे रहकर वापस फिर से अपने उसी मूल कोष में जब जाएगा तो प्रकाश के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये था आपका चौथा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चों? पांचवा पॉइंट ये है
कि नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूम रहे होते हैं परंतु ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहे होते, ऊर्जा का नाश नहीं कर रहे होते। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अब हम लोग अपने छठवें पास्टुलेट की ओर चलेंगे, इसे मैं मिटाता हूँ, आगे देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो चीजें मैंने अभी ये बोल के कुछ पॉइंट समझाए हैं उसको आप उसी प्रकार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना छठवां पास्टुलेट देखते हैं। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। भैया जो इलेक्ट्रॉन को उसमें गति कर रहे हैं उनका एक निश्चित कोणीय संवेग है। क्या है कोणीय संवेग? एम वी आर बराबर होगा एच बटा टू पाई के, जहां पर एच प्लैंक कांस्टेंट और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। अब बारी आती है ये एम वी आर क्या है बच्चों? ये है संवेग। कैसे लिखते हैं आप? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यही लिखते हैं। जहां पर संवेग को पी, पी का मतलब मोमेंटम, जहां एम मास, जहां वी वेलोसिटी वेग। तो बच्चों हम इसकी जगह पर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसकी जगह पर एम वी भी लिख सकते हैं। फिर सर जी बात आई एम वी तो ठीक है, आर कहां से आया आपके पास? तो भैया आप कुछ इस प्रकार समझे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम कहां रहा है? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो वृद्धि कक्षाओं में घूम रहा है। तो ये है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा जो इस दिशा में गति कर रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति कर रहा होगा, वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान होगा, बिल्कुल सही। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो वृत्ताकार पथ से उसके नाभिक की एक दूरी त्रिज्या भी तो होगी, इसीलिए हम संवेग के लिए, संवेग जब हम लिखेंगे एम वी लिखेंगे, तो यदि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी तो यहाँ पर आर भी मल्टीप्लाई के रूप में यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एम वी आर आपका इतना, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कोणीय संवेग होता है इतना। अब कैसे बताएंगे कितना? तो देखिए बच्चों, जैसे ये है आपका न्यूक्लियस, पहला नाभिक, दूसरा नाभिक, नाभिक कह रहा हूँ, कोष, अगला कोष, आगे भी बनाए जा सकते हैं, मैंने अभी बना दिया। तो बच्चों अगर इसके इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग निकालें तो हम क्या लिखेंगे? H 2 पाई, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा एक के साथ, क्योंकि हम K की बात कर रहे हैं और K की न्यूमेरिक वैल्यू 1 होती है। फिर इसके लिए आइए इसका कोणीय संवेग क्या होगा? H बटा 2 पाई, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि L की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, H बटा पाई। यहाँ के इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग H बटा पाई। यहाँ के लिए कैसे लिखेंगे आप बच्चों? H बटा 2 पाई। अब इस L के लिए न्यूमेरिक वैल्यू कितनी? 3, तो ये हो गया 3H बटा 2 पाई। इसके लिए आप कैसे लिखेंगे? 4H, क्योंकि ये K L M N है ना, तो N की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 4, H बटा 2 पाई कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2H बटा पाई। तो ये इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित कोणीय संवेग आप देख पा रहे हैं, इसको आप हूबहू इस प्रकार लिख देंगे। तो ये था बोर का पास्टुलेट। अब बात आएगी कि ये जो नियम है हमारा, बोर का जो नियम है, वो फ्लॉप हो गया, असफल घोषित किया गया। क्यों? तो वो सुनिए, क्यों असफल हुआ वो सुनिए। ठीक है बच्चों, असफलताएं इसकी क्या थी जो ये असफल हो गया? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो यही है असफलता का। असफलता का पहला पॉइंट ये है, यह नियम केवल हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम डबल पॉजिटिव पर
लागू होता है। बच्चों सबसे पहली बात, बोर का परमाणु मॉडल सिर्फ उन्हीं परमाणुओं पर लागू हो रहा है जिनका परमाणु क्रमांक एक है, जिनका परमाणु क्रमांक एक है उन्हीं पर यह नियम लागू हो रहा है, इससे उच्च परमाणु क्रमांक वाले परमाणु पर यह नियम फिट नहीं हो रहा है। पहला असफल, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है दो, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसके पास बचा एक। लिथियम का परमाणु क्रमांक तीन, उसने दो त्याग दिए तो लिथियम के पास बचा एक, ठीक है। दूसरा बच्चों इसका फेल होने का रीजन क्या था, दूसरा ये था इनके अनुसार नाभिक स्थिर है परंतु नाभिक अपने अक्ष में घूमता है। बच्चों क्या जबरदस्त बात, इन्होंने कहा भैया नाभिक स्थिर है, अभी तक जितने वैज्ञानिक है नाभिक बोलते हैं स्थिर है, लेकिन बाद में पता चला भैया नाभिक स्थिर नहीं होता, बल्कि नाभिक जहां पर भी स्थित होता है उस अक्ष पर घूमता है, वो चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो। तीसरा गलत होने का कारण, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं परंतु समरफील्ड ने कहा, समरफील्ड एक वैज्ञानिक थे, समरफील्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा के साथ साथ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी होते हैं। ये बातें उन्होंने कही, इन्होंने कहा भैया ये नाभिक है आपका, ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक के बाहर ये जो वृत्ताकार पथ देख रहे हैं इनमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, लेकिन समरफील्ड ने कहा कि इसके अलावा दीर्घवृत्ताकार पथों में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथों में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी बातें समरफील्ड ने कही, जिस कारण ये मॉडल फ्लॉप हो गया। तो बच्चों ये था आपका बोर का मॉडल तथा उनकी कमियां, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद।